गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में जाना था। सोल्डरिंग में क्या जाना था? सोल्डर के बारे में मैंने आपको हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर के बारे में बताया और कुछ की पॉइंट्स बताए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्डरिंग प्रोसेस में उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। देखिए, दो वर्कपीस है हमारे पास। ये क्या है? वर्कपीस है जिसे क्या करना है आपको, उसे मेल्ट करके दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जो सोल्डर मटेरियल होता है, आपको मैंने सोल्डर मटेरियल पढ़ाया था ना, जो टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, वो जो मटेरियल होता है सोल्डर, एक वायर के फॉर्म में होता है। सोल्डर जो होता है एक वायर के फॉर्म में होता है, यानी कि तार के रूप में रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सोल्डर मटेरियल जो कि वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो हम लोग बेस मेटल यानी वर्कपीस को फ्यूज नहीं करते हैं, इसे नहीं पिघलाते हैं। तो किसे पिघलाते हैं? तो ये सोल्डर मटेरियल जो होता है उसे पिघलाते हैं। उसे पिघलाने के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन जो होता है, सोल्डरिंग आयरन क्या करता है? इस सोल्डर मटेरियल को फ्यूज करता है। ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका सोल्डरिंग आयरन है, मान लीजिए ये सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन क्या करते हैं? इसे करंट देते हैं। इसे मैंने क्या कौन सा करंट दिया है? एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट दिया है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट दिया है, ये करंट से जुड़ गई है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और ये क्या करेगा, जो सोल्डरिंग आयरन है इस सोल्डर मटेरियल को, यानी कि जो वायर के फॉर्म में है, उसे मेल्ट करेगा और इन दोनों वर्कपीस के बीच में ज्वाइंट बना देगा। तो ध्यान रखना, सोल्डरिंग आयरन को नॉर्मली क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टूल। यानी कि सोल्डरिंग प्रोसेस करते वक्त हम जिस टूल का उपयोग करते हैं, उसी टूल को सोल्डरिंग आयरन कहा जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि सोल्डरिंग आयरन क्या है, तो वो क्या एक टूल है, एक औजार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सोल्डरिंग आयरन होता कैसा है? ये जो फिगर देख रहे हो ना, इसे ही सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। इसमें क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस पार्ट को बोलते हैं हैंडल, हैंडल यानी कि हत्ता, जिसके द्वारा हम इस सोल्डरिंग आयरन को पकड़ते हैं। ये क्या है, इसे कहते हैं सैंड। ठीक है, सैंड को बॉडी भी कहा जाता है। ये क्या है? ऑब्लिक है, सैंड को बॉडी भी कहा जाता है। इसे कहते हैं बिट, क्या कहते हैं? इसे बिट कहा जाता है और इसे टिप भी कहा जाता है। ये क्या है? ये है एज, यानी कि किनारा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में क्या क्या है? एक आपका हैंडल है, सैंक है, बिट है और एज है। ठीक है, इसी तरह का सोल्डरिंग आयरन होता है। अगर आप लोगों ने, आप लोगों में से किसी ने सोल्डरिंग की है तो उसे सोल्डरिंग आयरन के बारे में पूरा पता होगा। ठीक है, उसने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। तो ये बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की, इसके पार्ट्स की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की कि सोल्डरिंग आयरन होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन के टाइप्स हैं। बात करते हैं पहले प्रकार के बारे में जिसका नाम है प्लेन सोल्डरिंग आयरन। प्लेन सोल्डरिंग आयरन का मतलब क्या है कि हमारा प्लेन होता है, समतल होता है। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, इसकी एज है, ये क्या है, इसका टिप है, ये साइड है और ये इसका हैंडल है। ध्यान दीजिएगा, जो प्लेन सोल्डरिंग आयरन होता है हम उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ हमें साधारण कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ नॉर्मल वर्क करना है। कैसे वर्क करना है? नॉर्मल वर्क करना है, साधारण कार्य करने हैं, वहाँ पर प्लेन सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी टाइप के सोल्डरिंग आयरन के बारे में जिसका नाम है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। ये क्या है? ये हमारा हैचेट सोल्डरिंग आयरन है।
एसिड सॉल्वेंट आयरन जो होता है एक कुल्हाड़ी की तरह होता है, आपने कुल्हाड़ी देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। ये जो एसिड सॉल्वेंट आयरन होता है कुल्हाड़ी की तरह होता है, और इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल एंड हैवी ड्यूटी। इसका मतलब क्या है, साधारण कार्यों में और जो भारी कार्य होते हैं, जो डिफिकल्ट वर्क होते हैं, ठीक है, कठिन कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कौन सा है, अगला है गैस सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो गैस सोल्डरिंग आयरन होता है हमारा वो अंदर से होल होता है, इसका जो हैंडल होता है ये भी होल यानी कि खोखला। ठीक है, तो इसका जो हैंडल होता है वो भी खोखला होता है, इसकी जो सैंक होती है ये भी खोखली होती है, यानी पूरा खोखला होता है। ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ हमें लगातार सोल्डरिंग करनी है, समझ रहे हैं, जहाँ हमें लगातार सोल्डरिंग का सोल्डरिंग प्रोसेस करना है वहाँ पर क्या है, हम इस गैस सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अगला कौन सा है, अगला है कार्डिनल सोल्डरिंग आयरन। ये क्या सोल्डरिंग आयरन होता है, ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये हम हैवी ड्यूटी में कहाँ पर करते हैं, हैवी ड्यूटी यानी कि जो भारी कार्य होते हैं, जो डिफिकल्ट वर्क होते हैं, वहाँ पर इस सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला और इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इसी सोल्डरिंग आयरन का अभी हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है, आधुनिक सोल्डरिंग आयरन है। इसका मतलब क्या है, इसी सोल्डरिंग आयरन का अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, ये हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है नॉर्मली क्या है, इसमें हम लोग करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिससे क्या ये हमारी ऑपरेट हो जाती है, और इसी सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम लोग क्या सोल्डरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यही इसी सोल्डरिंग आयरन का अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे, पांच तरह के सोल्डरिंग आयरन थे, प्लेन, हैचेट, गैस, कार्डिनल, इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये सब सोल्डरिंग आयरन के टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, सोल्डरिंग आयरन का परिचय हो गया, इसके पार्ट्स हो गए और इसके टाइप्स हो गए। तो ये था हमारा सोल्डरिंग आयरन। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में, कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन हमारा कंप्लीट हो गया है, अगर कहीं दिक्कत हो आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्या टॉपिक है, फ्लक्स, कि फ्लक्स क्या होता है। जब भी हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो फ्लक्स का क्या काम है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो जॉब को या दो वर्क्स को आपस में जोड़ते हैं, ये क्या हो गया, ज्वाइंट बन गया, दोनों के बीच में बन गया। तो क्या होता है ना, जब ज्वाइंट बनता है तो उस समय जो बाहर का एटमॉस्फेयर, जो बाहर का जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन रहता है, क्या रहता है, बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन रहता है, जिससे क्या होता है, ये रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि आपको मैंने वेल्डिंग में बताया था ना, वेल्डिंग में, कि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय, मतलब जैसे कि हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो आर्क बनती है, जो चिंगारी बनती है, तो जब चिंगारी बनती है, जब दो वर्कपीस के बीच में ज्वाइंट बनता है, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो उस से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, बोला था। और ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या करता है, ज्वाइंट को वीक बनाता है, कमजोर बनाता है। ठीक है, उसी तरह सॉल्डरिंग में भी होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो इससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है, ये जो ज्वाइंट बनी है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसीलिए ऑक्साइड बनने से रोकने के लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है,
एक मैटेरियल होता है, ठीक है, फ्लक्स जो होता है एक मैटेरियल होता है जो पेस्ट के रूप में, द्रव यानी कि लिक्विड के रूप में, और जो फ्लक्स होता है ये पेस्ट के रूप में मिलता है, द्रव के रूप में मिलता है, और पाउडर किसके रूप में, पाउडर के रूप में मिलता है, ठीक है। ये इसके तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म का मतलब क्या है, इसके तीन रूप है, ये तीनों रूप में मिलते हैं। पेस्ट, पेस्ट का मतलब जानते हैं पेस्ट की तरह होता है, द्रव यानी कि लिक्विड की तरह, और पाउडर यानी कि चूर्ण की तरह, ठीक है। ये हमारा मिलता है, ये जो क्या करता है, इसका काम क्या है, ये ऑक्साइड बनने से रोकता है, ऑक्साइड बनने से रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्साइड बनने से रोकता है, क्योंकि देखिए ऑक्साइड अगर सॉल्डरिंग प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और जॉइंट बना रहे हैं दो वर्कपीस के बीच में, अगर उसमें ऑक्साइड बन जाएगी तो क्या होगा, जॉइंट जो है वो वीक हो जाएगा। हमें जॉइंट क्या है, वीक नहीं बनाना है, वीक नहीं बनाना है ना, आखिर हमें जॉइंट को मजबूती से बनाना है, तो इसीलिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स जो होता है वो ऑक्साइड बनने से रोकता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, सोल्डर जो मटेरियल होता है, आई बोला ना सोल्डर जो होता है एक वायर के फॉर्म में होता है, तार के रूप में होता है, ठीक है। तो जो फ्लक्स होता है वो सोल्डर को ये उसके सरफेस पे फैलाता है। वन मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, ये जो है ये जंग लगने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है, बचाता है, ज्वाइंट को मजबूत बनाता है, जोड़ को मजबूत बनाता है, एक अच्छा सरफेस देता है, ठीक है। फ्लक्स से क्या है, बहुत से फंक्शन होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं। ऑक्साइड बनने से रोकता है, जॉइंट को मजबूत बनाता है, एक अच्छा सरफेस देता है, ठीक है, जंग लगने से बचाता है। ये क्या है, फ्लक्स के फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, सिलेक्शन कि हम लोग फ्लक्स का चुनाव किसके आधार पर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला फ्लक्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग किसके आधार पर फ्लक्स का चुनाव करते हैं इसके बारे में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्डरिंग मेथड, जो सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स का मतलब है कि हम लोग सॉल्डरिंग मेथड का, जिस सॉल्डरिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर हम लोग फ्लक्स का चुनाव करेंगे। दूसरा है टेम्परेचर, यानी कि तापमान, हम लोग कितना तापमान ले रहे हैं सॉल्डरिंग प्रोसेस में उस पे ये डिपेंड करता है फ्लक्स, कि हम लोग उस समय कैसे कैसा फ्लक्स लेंगे, ठीक है। और जोड़ी जाने वाली मटेरियल, वर्कपीस मटेरियल, मतलब क्या है कि वर्कपीस मटेरियल का मतलब क्या है, देखिए हम लोग सोल्डरिंग, जब सोल्डरिंग कहाँ करते हैं, पतली सीट को जोड़ने में करते हैं, मोटी सीट को जोड़ने में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग जो होता है हमारा सेमी परमानेंट जॉइंट होता है, यानी कि अस्थाई जोड़ होता है। अगर इस पर थोड़ा सा लोड पड़ जाए या वाइब्रेशन हो जाए तो सोल्डरिंग द्वारा जो बनाया गया जॉइंट है वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोग पतली सीट को जोड़ने में करते हैं। कैसे मटेरियल में, जैसे कि कांसा हो गया, पीतल हो गया,
एलुमिनियम हो गया, इन सब में हम लोग क्या करते हैं सॉल्टिंग करते हैं। तो सेलेक्शन वर्कपीस मेटल का मतलब क्या है कि आपने जो दो वर्कपीस लिया है जिस ज्वाइंट बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, आपने जो दो वर्कपीस लिया है ज्वाइंट बनाने के लिए, तो दोनों वर्कपीस का मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है, सॉल्डरिंग मेथड, टेम्परेचर और वर्कपीस मटेरियल, यानी कि फ्लक्स का चुनाव इन सब को देख करके किया जाता है कि हम किस तरह के फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सॉल्डरिंग आयरन और ये था फ्लक्स। अगर सॉल्डरिंग आयरन में और फ्लक्स में कहीं भी आपको दिक्कत आई हो, समस्या आई हो आज के क्लास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।